तो हरियाणा रोडवेज में नई बसों को लेकर काफ़ी चर्चा में चल रहा है और इसमें एक बड़ी अपडेट ये आई है कि दोस्तों हरियाणा रोडवेज में जो 1000 बसें आने वाली हैं वो हरियाणा रोडवेज की बसें होंगी या फिर वो किलोमीटर स्कीम के तहत बसें रहने वाली हैं। अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों एक कटिंग देख सकते हैं, एक कटिंग हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखी है, वहाँ से आप इस कटिंग को डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा रोडवेज में किलोमीटर स्कीम के तहत दौड़ेंगी 1000 और बसें। पहले से दौड़ रही हैं दोस्तों कुछ बसें तो, और अब 1000 बसें और किलोमीटर स्कीम के तहत आने वाली हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, परिवहन बेड़े के लिए खरीदी जाएंगी आधुनिक सुविधाओं से लैस 1000 बसें। तो दोस्तों देख सकते हैं ये, और इसमें 150 बसें जो हैं वो खरीदी जाएंगी, इलेक्ट्रिकल बसें हैं वो भी इसमें खरीदी जाएंगी। एक इलेक्ट्रिकल बस की जो फ़ोटो आई थी दोस्तों, हमने आप सभी के साथ शेयर की थी कि किस प्रकार से हरियाणा में जो इलेक्ट्रिकल बसें आएंगी उसका डेमो हमने आपको दिखाया था। वो वीडियो आप देख सकते हैं क्या क्या फ़ीचर उसमें दिए गए हैं, किस प्रकार से उसकी चार्जिंग होगी, किस प्रकार से उसमें जो फीचर हैं वो सभी यूज़ किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हरियाणा रोडवेज में किलोमीटर स्कीम के तहत 1000 बसें और शामिल की जाएंगी। रोडवेज कर्मचारी विरोध को दरकिनार कर पहले ही स्कीम के तहत 690 बसें दौड़ रही हैं, अब इसकी संख्या बढ़ाकर 1690 करने का फैसला लिया गया है। जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों पहले से 690 बसें जो हैं वो तो रोड पर चल रही हैं किलोमीटर स्कीम के तहत हरियाणा रोडवेज में, लेकिन इस किलोमीटर स्कीम के बेड़ों को बढ़ाकर अब 1690 करने की मांग की जा रही है, यानी कि इसका फैसला लिया गया है, जल्द ही इस पर टेंडर जारी किए जाएंगे। 1000 बसें जो हैं आपकी वो किलोमीटर स्कीम के तहत आने वाली हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मंगलवार को विभाग में आला अधिकारी के साथ बैठक कर रोडवेज बेड़े में किलोमीटर स्कीम के तहत 1000 बसें और शामिल करने को लेकर मंथन किया है। किलोमीटर स्कीम के बस प्राइवेट कंपनियों व प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की होती है, इस पर ड्राइवर मालिक का होता है और कंडक्टर सरकारी। बसों का साइज और रंग रोडवेज जैसा ही होगा। वर्तमान में किलोमीटर स्कीम की 28 रुपये और 97 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से चल रही हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, जो किलोमीटर स्कीम के तहत जो बसें हैं उनका 1 किलोमीटर का किराया 28 रुपये और 97 पैसे है। मूलचंद शर्मा ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि महकमे में 1000 नई बसें शामिल करने का निर्णय भी लिया गया है। इस बसों को खरीद के लिए हाई पावर परचेज कमेटी की प्रस्ताव भेजा जाएगा। अभी तक सरकार जैसे खरीदती थी और बाद में बस पर बाड़ी तैयार करवाई जाती थी, अब बनी बनाई बसें खरीदी जाएंगी। परिवहन बेड़े में 150 लग्जरी बसें खरीदने का निर्णय भी यहाँ पर लिया गया है और अभी तक परिवहन बेड़े में शामिल 29 वोल्वो बसों को ही चंडीगढ़ नई गुड़गांव दिल्ली रूट पर चलाया जा रहा है। 150 नई बसें लग्जरी बसों की नई दिल्ली से हिसार, करनाल, चंडीगढ़ से सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार के अलावा दूसरे राज्यों में भी चलाया जाएगा। इसके अलावा 250 मिनी बसों की खरीद की मंजूरी भी देते हुए मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को इसका प्रोजेक्ट बनाने को कहा है। तो दोस्तों ये आपके साथ बड़ी अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की है, और 150 बसें जो है वो इलेक्ट्रिकली खरीदी जाएंगी। प्रदेश में इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नीति बना रही है। परिवहन बेड़े में 150 इलेक्ट्रिकल बसें शामिल करने की मोहर भी लग चुकी है। इन बसों की फिलहाल छोटे रूटों और शहरों में चलाया जाएगा। नई दिल्ली से गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत व बहादुरगढ़ जैसे शहरों में इलेक्ट्रिकल बसें चलाई जाएंगी। इसी तरह से चंडीगढ़ से पंचकूला, अम्बाड़ा सहित अन्य मार्गों पर भी इलेक्ट्रिकल बसें जो है वो चलाई जाएंगी। और दोस्तों एक न्यूज़पेपर की कटिंग और है, उसको भी देख लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी बताया गया है कि 1000 बसें जो हैं वो खरीदी जाएंगी, लेकिन ये जो 1000 बसें हैं दोस्तों आपकी किलोमीटर स्कीम के तहत रहने वाली हैं, और जो 809 बसें जो आपकी हरियाणा रोडवेज की आने वाली थी वो अभी तक भी नहीं आ पाई हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी तक भी यहाँ पर ये बसें जो हैं आ नहीं पाई हैं, क्योंकि पिछले साल ये बोला गया था कि मार्च महीने में ये जो बसें हैं लगभग सभी डिपो में पहुँच जाएंगी बाड़ी तैयार होने के बाद, लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि
चेचस ने खरीद कर डायरेक्ट ही बस जो बनी बनाई बस है बाडी के साथ वो खरीदी जाएगी और डायरेक्ट ही डिपो में भेजी जाएगी। तो दोस्तों इसके टेंडर अभी तक जारी नहीं हुए हैं और न ही ये जो 1000 किलोमीटर स्कीम के तहत आने वाली बस हैं इनके टेंडर जारी किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। टेंडर जारी होने के बाद ही आपको पता लगेगा कब तक ये बसें आएंगी। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।